ただ忍びだ。砂漠のガーラ。So hey guys, welcome back to the channel. I'm based vlog. आज बहुत दिनों बाद vlog बना रहा हूँ, देख सकते हो. Size थोड़ा सा gain कर लिया था. So guys, अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ. अपना जो रूटीन वूटीन चलेगा वो आपको डेली दिखाऊंगा. क्यों ब्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं, छोड़ो. सो अभी से रेगुलर वीडियो आने वाला है. सो गाइस, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो. और गाइस, अभी चल रहा है वर्कआउट का सीन. ऐसा है कि मतलब कॉम्पिटिशन खेला मैंने, मेरा पीसीटी कम्प्लीट नहीं हुआ था. सो अभी मैं गाइस जस्ट एक दो दिन के अंदर अपना पीसीटी स्टार्ट करने वाला हूँ. सो मैं आपको पीसीडी का व्लॉग पूरा दिखाऊंगा, तो व्लॉग को पूरा देखना. क्या क्या यूज करने वाला हूँ, कैसे पीसीडी करता हूँ, पीसीडी में डाइट क्या रहने वाला है, कैसा वर्कआउट पैटर्न करूंगा, क्या रेस्ट होगा, पीसीडी के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा. अगर किसी को पीसीडी के बारे में पूरा जानना है तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना. अभी खाना खा रहा हूँ बस. अभी देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल डाइट चल रहा है, मूढ़ी जलेबी. मम्मी भी वहां पर खाना खा रही है. सो गाइस, अभी अपना नॉर्मल रूटीन चल रहा है, कुछ ऐसा फिक्स रूटीन नहीं है. तो अभी जस्ट बॉडी को रेस्ट देना है. ना प्रोटीन चिकन खा रहा हूँ, ना ज्यादा हाई कुछ खाना खा रहा हूँ. जस्ट नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, घर का खाना खा रहा हूँ. और उसी में बॉडी को रेस्ट देना है. एक दो महीना तो पीसीडी होगा, उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट जो साइकिल चलेगा उसी में गेन करेंगे. इसके बाद गेनिंग का साइकिल होगा. सो उसके बाद जो गेनिंग वाला साइकिल होगा एकदम अलग लेवल का ही होगा. सब आपको दिखाऊंगा क्या क्या यूज करने वाला हूँ, पूरा पूरा डिस्क्लोज करूंगा गाइस. क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करता हूँ गाइस, जो करता हूँ वही मैं बोलता हूँ, कुछ छिपाता नहीं हूँ. सो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस. अभी थोड़ा सा बॉडी का कंडीशन, पीसीडी करूंगा तो थोड़ा सा डाउन तो होएगा. मतलब बॉडी में मसल मास सभी रहेगा, बट जो पंप रहता है ना वो पंप धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा. बट कोई बात नहीं, इससे पार्ट्स ऑफ प्रोसेस. सो इतना ही बोलना था. तो अभी चलो गाइस अपना मील थोड़ा खाना खा लेते, इसके बाद आज का फुल का दिन का जो रूटीन रहता है मैं आपको दिखाऊंगा, देख लेना. ब्लॉग सिंपल था, वही जो मैंने मील कंप्लीट किया, कोचिंग था, क्लासेस था बहुत सारा. और अभी होम ट्यूटर का जॉब करता हूँ, तो अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ. इसके बाद घर जाऊंगा, घर में एक ट्यूशन है, फिर मिलते हैं आपसे. अभी ट्यूशन खत्म करके आ चुका हूँ मैं. हमारे यहाँ पर लोकल में एक फेयर मेला लगा है, तो वहीं पर मैं देखने आ चुका हूँ. देख सकते हो इतना अच्छा सा व्यू है यहाँ का, पूरा फ्लावर से भरती है. देख सकते हो गाइस, एकदम पूरा चारों तरफ फूल ही फूल, इतने शानदार फूल को देख के मतलब मैं रह नहीं सका वीडियो बनाना. पर अभी मैं आपको मेला का पूरा टूर थोड़ा छोटा मोटा कराऊंगा. तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखे, बने रहे मेरे साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. हे गाइस, मम्मी के साथ आया हूँ मैं आज मेला देखने. मम्मी ने बोला था चल जे देखते, तो आया हूँ. अभी और भी दो तीन बार आना है गाइस, तो बने रहे हो लास्ट तक. वीडियो को पूरा दिखाता हूँ. देखो ये है यहाँ का पूरा बैकग्राउंड, मतलब सब जितना लाइटनिंग कंडीशन, ये यहाँ पर सबसे बेस्ट है इस वाले. ये मतलब मेला के लास्ट साइड में है, यहाँ पर ये अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप घूम सकते हो, ब्रेक डांस सब कुछ. और ये हमारे हर हर महादेव भगवान का स्टैचू, एक अच्छा सा बनाया मूर्ति बनाया गया है यहाँ पर. और देख सकते हो रील्स बना रहा था, ये बंदा आ गया. एक जानता है मुझे, तो थोड़ा बात भी किए हम लोग. और गाइस चलो फिर अपना ईद तो मेला ख़त्म ऑलमोस्ट. अभी थोड़ा सा सोचा आइसक्रीम खाऊंगा, तो बाहर से MRP से 10-15 रुपये ज़्यादा है. और ये है देखो अचार का दुकान, सोचा थोड़ा सा अचार उचार कुछ खरीद के लेके जाएंगे. यहाँ से देख सकते हो वैरायटी ऑफ अचार यहाँ पर आपको मिल जाएगा. क्वालिटी भी अच्छा लग रहा था, थोड़ा हम लोगों ने ख़रीद लिया. और उसके बाद मेला में आए और जलेबी नहीं खाए तो हो ही नहीं सकता. तो जलेबी और पापड़ हम लोग ने खाया. जलेबी घर के लिए थोड़ा पैक करके लेके जा रहा हूँ, एकदम गरम गरम जो बन रहा है यहाँ पर, एकदम फ्रेश. सो अब तो ऑफ सीजन है गाइस, तो अभी तो खाना थोड़ा बोरा बाहर का खा सकते हैं. देखिए घर आ चुके हैं और यहाँ पर है मिठाई, मथुरा का मिठाई. इसका नाम है मथुरा का मिठाई गाइस, देख सकते हो. और उसके साथ जलेबी भी लाया हम लोग ने और पॉपकॉर्न भी लाया थोड़ा. तो खाते उसको और फिर आज का व्लॉग यहीं तक गाइस, जस्ट थोड़ा सा इंट्रो व्लॉग. और जो मेला हम लोग के पीछे ही लगा है, तो थोड़ा सा घूम के भी आ गए. हर एक साल में एक बार होता है, एक साल में एक बार होता है मेला. ऑलमोस्ट 15 दिन तक रहता है गाइस. सो आप लोग भी आओ, खाएंगे एक साथ, घूमेंगे. सो गाइस चलो खाते इसको, फिर मिलते हैं, देखते क्या होता है. नोट किया था कल, तो गाइस आज रिकवरी अच्छे से करना, इसलिए प्रोटीन जो भी खाना खाता है उससे वैसे प्रोटीन पूरा अच्छे से खा लेता हूँ. प्रोटीन मैंने आके 5 अंडा था, वो अंडा एग वाइट था, खा लिया. चेस्ट में जबरदस्त कल एकदम अलग लेवल का ही वर्कआउट किया था. सो आज चेस्ट में एकदम अलग लेवल का ही मतलब पेन आ रहा है गाइस.
सो रिकवरी को स्लो नहीं करने, तो एक वाइट हो गया, अभी देखते हो और जलेबी खाएंगे थोड़ा सा। क्या बोलते हैं दीपन, जलेबी चलता है क्या? स्लोली स्लोली रिकवरी होगा दीपन का, स्लोली स्लोली। मत फिर ज्यादा। सो गाइस चलो अभी खाते हैं अपना खाना, नहीं रहा हूं मैं फिर भाई। मिलते हैं आपसे। और पीसीटी का मेडिसिन कल आने वाला है, तो गाइस कल का व्लॉग जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। और जो भी बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज चाहिए गाइस, मेक इट श्योर दैट यू शुड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो गाइस अपना दूसरा आइटम जलेबी खा दिया मैंने, देख सकते हो ये चार नंबर चल रहा है। आओ गाइस तुम भी खा लो एकदम मीठा वाला जलेबी गाइस।